खबर ने बाप को मोरू से, जहां पे सिंधी अल्ताफ सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करते चले, चित्रासीन मोरू में NTS टेस्ट 2013 में पास होने वाले उम्मीदवारों को मुलाजमत के ऑर्डर ना मिलने के खिलाफ फारूक कोराई और राशिद में मनोज के अलावा दीगर आपको बताते चले इलाकों से होते हुए मोरू प्रेस क्लब पहुंचे, जबकि रहनुमाओं ने खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने मेरिट की बुनियाद पर NTS टेस्ट पास किया और 12 साल गुजरते ही हमें आज तक नौकरियों के ऑर्डर नहीं मिले। हम बरसों से जद्दोजहद कर रहे हैं लेकिन कोई लेने वाला नहीं। इनकी देखभाल के लिए महकमा तालीम के सूबाई वजीर और हुकाम ने कई बार बात की और नौकरियों के ऑर्डर देने का वादा किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। खबर दी आपको मोरू से, सिंधी अल्ताफ सोमरू के मुताबिक जमीयत इस्लाहुल मुस्लिमीन ब्रांच मोरू और रूहानी तलबा जमात ब्रांच मोरू की तरफ से दरगाह अल्लाह आबाद शरीफ कंजियारू के सज्जादा नशीन हजरत ख्वाजा मोहम्मद ताहिर गफ्फारी मुतज़िला अल आदी के हुक्म के मुताबिक मोरू शहर में ठंडे पानी और ठंडे मीठे शरबत की सबील लगाई गई ताकि इस शदीद गर्मी में अल्लाह की मखलूक को ठंडा पानी और ठंडा मीठा शरबत पिलाया जाए ताकि इनको गर्मी में सकून मिले। इस सबील में जमात आप बताएं कि इस्लाहुल मुस्लिमीन शाख मोरू के अहदेदारान और अरकान और रूहानी तलबा जमात और इसके अलावा दीगर ने भी मीठा पानी और शरबत पिलाया। चित्रासीन अब आपको खबर देते चले सांगर से, जहां पे आपको आगाह करते चले सांगर से हमारे रिपोर्टर ब्यूरो चीफ इब्राहिम खिलजी के मुताबिक SSP सांगर इजाज अहमद शेख की हदायत पे जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में SSHO शदातुल मोहम्मद हनीफ महर ने घर में नकब जनी मुकदमे मुलविस मतलू मोहम्मद यासीन चौहान को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे मंशियात फरोश पसन लोहनों को 10 बोतलें वलायती शराब समेत गिरफ्तार किया गया है और 880 पुड़ियाँ भी बरामद की गई हैं। इसके अलावा 280 पुड़ियाँ मोजे से गुटखा भी बरामद किया गया, 20 लीटर शराब भी बरामद कर ली गई है। खबर ने खुश आपको शुजाबाद से, मुल्तान पसंद की शादी करना जुर्म बन गया, मुकद्दस फातमा जौजा मलिक अब्दुल्ला को मुकद्दस फातमा के घर वाले और अजीज़ो क़ारी मुकद्दस फातमा और इसके शौहर मलिक अब्दुल्ला को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और हरासा करने लगे। इस हवाले से मुकद्दस फातमा जौजा मलिक अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आइए आपको भी लिए चलते हैं। जी तो नाज़रीन खबर देते चले अब आपको आगाह करते चले खुशाब से ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह यातिफ के मुताबिक शहरियों की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर मौसूफ ने नोटिस में ये बात लाई गई थी कि छतरी चौक को व्यापारी और जानवरों ने ब्लॉक कर रखा है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। चुनाचा आवाम मुश्किल के इजाले के लिए असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब इजाज़ अहमद मलिक रात गए छतरी चौक पहुँच गए और उन्होंने मौके पर ही एक्शन लेते हुए चौक को अवामी आमदोरफ्त के लिए भी बंद कर दिया है। दोबारा खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबरें सांगढ़ से, जहां पे ब्यूरो चीफ इब्राहिम खिलजी के मुताबिक जिला सांगढ़ के SSP और GTS पास होने वाले उस्ताजा का ऑफर ऑर्डर ना मिलने के खिलाफ PTA के हमराह जिला एजुकेशन ऑफिसर के सामने एहतजाजी मुजाहरा और भूख हड़ताल। मेरिट पर भर्ती होने पर उस्ताजा का ये कहा कि इंसाफ है, माह गुजर गए हैं, सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह पर भूख हड़ताल है और उस्ताजा कहना है कि जब तक उस्ताजा को ऑफर ऑर्डर ना मिलता हमारा एहतजाज जारी रहेगा। चित्रासीन अब आपको खबर देते चले सांगर से, जहां पे ब्यूरो चीफ राणा आपको बताएं कि राणा शाहिद खलील की रिपोर्ट के मुताबिक चित्रासीन SSP सांगढ़ इजाज़ अहमद शेख की हदायत पर रोशनी में SHO पीर मिल मोहम्मद इसहाक संगरासी ने मातहत अमले के हमरा पीरू मिल थाने की हद में गोट फकीर मोहम्मद लगारी में फरियादी अली गोहर लगारी के घर से चोरी होने वाली वारदात मुलविस दोनों मुलजमान अली असगर थीम और कुर्बान थीम को धर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान से चोरी किए गए 10 अदद लेडीज और जेंट्स के कपड़ों के जोड़े और मलिक 30,000 रुपये नकद भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम अली असगर थीम सन 2023 की चोरी इकदाम और कत्ल में भी मफरूर है। चीत नजीन खबर दें अब आपको लोधना से, जहां पे आपको आगाह करते चलें कि लेडी कांस्टेबल हुमाली थाने में मुहर्रर के अहदे पर फायज होने पर पहली खातून है, दीगर खातीन मुलाजमीन भी इनकी खातून को बाख्तियार बनाने जाने में अहम किरदार अदा किया है। हुमा ने अपने अहदा संभालने पर खुशी का इजहार किया, अपने फ़रायद मनसिब को पूरी ईमानदारी और तंदही के साथ अंजाम दूंगी। पुलिस फोर्स में खातीन के लिए बहुत से मौके मौजूद हैं, खातून मुहर्रर ऑफिसर की तैनाती खातीन को बाख्तियार बनाने में एक मस्बत पेशरफ्त है। हुमा की तैनाती खातीन को बाख्तियार बनाए जाने की एक अलामत है। खबर नुशहर फिरोज से, मंजूर मलिक के मुताबिक DBA नुशहर फिरोज के साबिक सदर अब्दुलसलाम लहरानी की बरसी तकरीब से खिताब करते हुए रुकने सिंध का आपको बताएं कि बार कौंसल अब्दुलसत्तार जी लहरानी, इसके अलावा दीगर ने कहा है कि अब्दुलसलाम लहरानी आपको बताएं कि बावकार तरीके से वकला और आवाम की खिदमत की और इनकी पहली तरजीह मुतवसित तबके को इंसाफ की फराहमी और इनके हकूक का तहफ़ था। इस्लाम लहरानी आपको बताएं, इस्लाम लहरानी बासूर शख्स हैं और मुश्किल तरीन वक्त में वकला तहरीक का हसा रहा और आयन और कानून की बालादस्ती के लिए कोशा रहा। खबर दिन शहर फिरोज से बेचो मंजूर मलिक के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन की जानब से वक्त पर तनख्वाहें ना मिलने, तनख्वाहों से कटौती, करप्शन के खिलाफ मजदूर यूनियन म्यूनसिपल कमेटी के काल पर शहर में रैली निकाली गई। इस दौरान रैली के शुरका करप्ट अफसरान इनके खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। इस मौके पर किशन राजा, खालिद हुसैन शेख और इसके अलावा मंजूर मलिक और दीगर ने कहा कि मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी, म्यूनसिपल इंतजामिया मुलाजमीन तनख्वाहों से कटौती कर रहे थे।
और इन्होंने ऐलान किया है कि मुलाजमीन के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला बंद ना किया गया तो मजबूरन काम छोड़ हड़ताल करके डीसी ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। खबर शाहपुर जानिया से, असद सिंधी काजी अहमद थाने की हदूद में गांव हाशिम राहू से मुसलह अफराद 8 माह कबल कार में सवार 20 साल शादीशुदा खातून सना, आपको बताएं कि राहू को अगवा कर लिया गया था। इसकी बाजियाबी के लिए इसके रिश्तेदारों समेत खवातीन मर्द और मासूम बच्चों ने अमजद अली राहू की निगरानी में थाना काजी अहमद के सामने अदालती भूख हड़ताली कैंप लगाया। तजाजी कैंप में प्रेस क्लब शाहपुर जहानिया के साफियों ने शिरकत की। खातून की बाजियाबी और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए नारे लगाए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साफी अब्दुल वहीद डारी, मोहम्मद यासीन अराई, असद बगियो, सैफ सिंधी, इसके अलावा दीगर ने आपको बताएं कि दीगर ने कहा कि 20 साल शादीशुदा खातून को महीना तौर पर मुसलह अफराद ने 8 माह कबल अगवा किया था। अहमदपुर एक्शन पुलिस एक्शन ले और अगवा मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार करें। चित्रासीन अब आपको खबर देते चले सांगर से, ब्यूरो चीफ शाहिद खलील की रिपोर्ट के मुताबिक जितनासिन डीआईजी एसबीए रेंज, आपको बताएं कि रेंज परवेज अहमद चांडिया ने ईद उल अजहा के हवाले सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया है, जिसके तहत तीनों इजलास सांगर, नवाब शाह, नौशहर और फिरोज के एसएसपीस को हदायत जारी की गई है कि वो कुर्बानी के जानवरों की खालों की वसूली, तरसील और तकसीम के हवाले से जाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इसके अलावा एसएसपी आपको बताएं कि ए रेंज पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 186 मसाजिद, इसके अलावा 96 इमाम बारगाहों और 38 ईदगाहों, खुली नमाज गाहों और 20 मवेशी गाहों, 19 टैक्स वसूली और इसके अलावा दीगर की जानमाल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। खबर दें आपको सांगर से, ब्यूरो चीफ इब्राहिम खिलजी के मुताबिक एसएसपी सांगर इजाज अहमद शेख की क्यादत में मंशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। एसएचओ सरहाड़ी इम्तियाज खावड़ ने मोहम्मद अशरफ उर्फ जमन जमाली की शराब कशीदा करने वाली भट्टी पर बड़ी और कामयाब कार्रवाई करते हुए छापे में 60 लीटर तेज तैयार शराब बरामद करके कमोबेश 1000 लीटर गैर तैयारशुदा शराब को मौके पर तल्फ करके भट्टी को मसमार कर दिया और शराब की तैयारी और शराब को स्टोर करने वाले मुख्तलिफ किस्म के बर्तन तहवील में ले लिए। इसके दूसरी कार्रवाई में सिकंदर उर्फ सगु मक्सी को गिरफ्तार करके 20 लीटर शराब बरामद कर ली है। एसएचओ पीरो मिल मोहम्मद इसहाक संगरासी ने चर्स के डीलर सोमर खान मरी को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 95 ग्राम चर्स भी बरामद कर ली है।